खम्मा गणी भाइयों को। तो कल के दिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ओला के सर्विस सेंटर गया था ओला लेने और उन्होंने ओला ठीक ही नहीं करी। तो मैं शूट तो किया था लेकिन मैं अब दो मिनट का व्लॉग क्या डालता इसलिए मैंने डाला नहीं। और मैंने आपको बताया था कि उसी वाले व्लॉग में कि शायद तक ही है मेरी ओला मेरे को कल रेडी करके दे सही करके दे लेकिन नहीं दिए। तो मैं ओला लेके आ गया अभी दोबारा लेके जाऊँगा और इस बार वहाँ पे खड़ा रह के मैं ओला अपनी ठीक करवाऊँगा क्योंकि सच में ओला की सर्विस बहुत ख़राब है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मत लेना ओला। मैंने 1.5 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने देख लिया। तो जिसको माता पची करनी है ओला ओला से वो लो कि पैसे ज़्यादा है खर्च करो टाइम ज़्यादा है वेस्ट करो तो वही लो ओला वरना मत लो ओला सच में उनकी सर्विस बहुत घटिया है। और गाइस नानी साहब अभी पूजा करिए नहा धो के तो मैं भी नहा लिया नानी साहब नहा ली और अभी भी लाइट नहीं आ रही पूरी रात लाइट नहीं आई गाइस पूरी रात लाइट नहीं आई। ये देखो लाइट नहीं आई पूरी रात और मैं ओला भी डिश थी ओला को भी चार्ज लगा रखा था लेकिन ओला भी चार्ज नहीं हुई जहाँ तक मुझे लगता है। ये देखो लाइट आई नहीं रही नोट चार्जिंग ये ओला सच में इतना बस इसका एक ही फायदा है कि ये बहुत यानी बिजली पे चलती है तो पैसे बच जाते हैं हमें काफ़ी। और ये भी 62 किलोमीटर की रेंज बता रही है 62 किलोमीटर चलेगी मगर कहाँ पे चलेगी 62 किलोमीटर नहीं चलती इतना परसेंटेज ये देखो 44% है अभी 44% है और मैं इसको निकाल देता हूँ और फिर चलते हैं ओला को ठीक कराने। गाइज अभी मैं दोबारा ओला के यहाँ पे लेके आ गया इस गाड़ी को और अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 25 दिन तक ये गाड़ी खड़ी रहेगी। तो अभी लक्ष्मण जी है उन्होंने बोला ये चीज़ और अभी तो बोले कि अभी आप एक वीडियो बनेगी इसकी तो आप कल ले जाना और उसके बाद में हम आपको मैसेज करेंगे कॉल करेंगे तब आप छोड़ जाना उसके बाद में 25 दिन तक यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहेगी। और अंदर मेरे को यानी मैं रिकॉर्डिंग करने की पूछा तो उन्होंने मना कर दिया अंदर नहीं निकलते 10 जनों की भीड़ है अंदर और सारे के सारे ओला के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं कि है ना ये है वो है। तो इस पर मैं घर पे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ था और ओला गाड़ी कैसी है। गाइस अभी हम आए हैं गणपति प्लाजा यहाँ पे सोनू का मोबाइल है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया तो उसको दिखाने के लिए और रिपेयर कराने के लिए आए हम। तो ये देखो और ये पोलो विक्ट्री है गाइस ये है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो पहले घूमता था ये अंदर से घूमता था पूरा अब तो नहीं घूमता अब तो एग्जाम पड़ गए इसके बेरिंग और तो कुछ ऐसा है अभी गाइस अभी हो रहा है इसका मोबाइल रिपेयर और देखो कितने सारे कवर है इधर और पीछे भी है इधर भी सारे आईफोन के कवर है सारे अच्छा तो यार बर्तन लैपटॉप चला रहे हैं हम। तो गाइस अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और घर पे आने पर नानी साहब ने मेरे को बोला कि तेरे को लेने जाना है अपनी बहन को। अभी आपने अगर पहले वाले ब्लॉग देखे हैं मेरे तो मेरी बहन रहती है पूरी खातराबाद तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा और मेरा भांजा और मेरी बहन उन दोनों को लेके आऊँगा मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में मेरा भांजा आ जाएगा वो इतना प्यार करता है ना मेरे को आपने व्लॉग में देखा ना कि वो वीडियो कॉल पे बोल रहा था मामा चाहिए मुझे तो और कोई नहीं चाहिए तो बस वो इतना प्यार करता है अभी उसको लेने जाना है मेरे को तो मेरा वेट भी कर रहा है। तो चलो उसको लेके आता हूँ मैं और कपड़े चेंज करूँगा कपड़े सही नहीं थोड़े। तो भाई मैं रेडी हो गया हूँ मैंने शर्ट वो टी शर्ट और पैंट डाली है। तो आप सोच रहे हो टी शर्ट में जो रेगुलर पहनता है हाँ तो वहाँ पे गाँव है और कोई ये नहीं तो मीनू ने बोला कि तू क्या नए कपड़े पहन के आता है यानी मैं पहले भी ऐसे जाता था है ना पहले नए नए कपड़े पहन के जाता था शुरू शुरू में तो मेरी बहन बोली कि क्या ही तो आता है तू ऐसे आ जाएगा नॉर्मली यानी मेरे हर 2 महीने में जाना हो जाता कोई ना कोई कभी कुछ मंगाती है यहाँ से कभी कुछ भेजती है वहाँ से तो रेगुलरिटी बन गई तो एकदम ऐसे नॉर्मली जाता हूँ मैं आराम से बेसिक ओके कुछ ज़्यादा खास हाँ लेट हो रहा हूँ मैं तो अभी चलते हैं। गाइस मैं अपने भांजे के पास आ गया और ये बोल रहा है मामा नया लिया है कैमरा नया लिया है क्या दो दो क्या बोल रहा है कहाँ पे
नहीं 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 इधर आओ इधर 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 आओ इधर आओ इधर इधर आओ लो पक गया वो चलाइया परेशान कर दिया इन्होंने तो गाइस मैं अपनी बहन के घर पे आ चुका हूँ और अभी इस व्लॉग की करते समाप्ति। हाँ देखते मेरी वीडियो सच में मेरे को तो अभी पता पड़ी ये देखो और ये कर रहा बहुत ज्यादा परेशान है ना। तो गाइस हमें यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले अपने भाई साहब नहीं यार तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम हर हर महादेव। तो गाइस अभी मैं आया हूँ अपने भांजे के पास और ये इतनी बदमाशी कर रहा है इतना यानी आके गोदी चढ़ गया बोल रहा है ये दो वो दो फोन दे दो मेरे को। और आप जाते हो अपनी बहन के ससुराल तो आपके भांजे भी ऐसे करते हैं आपके साथ? कमेंट करके बताना कमेंट करके।